नमस्ते राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, तो मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि मैम हमारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, हमें प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप बीएससी सिक्स सेमेस्टर में ही या आगे आप जिस भी क्लास में जाएंगे, लाइक आप एमएससी करने वाले हैं, ठीक है, तो एमएससी में भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, तो वो प्रोजेक्ट्स आप कैसे बना पाएंगे उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है कि आप इस तरीके से, मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, ये जो पेपर होता है आपका, आपका ये A4 साइज पेपर आप इसको कहते हैं, इसका यूज़ करके आप बनाइए। या दूसरा तरीका है कि आपके यूनिवर्सिटी में बोला जाए कि आप जो है MS पावर पॉइंट या MS वर्ड का यूज़ करके लैपटॉप पे बनाइए। ठीक है, तो वो कुछ जब आप बना लेंगे तो कुछ इस तरीके का आप फाइल निकलवाएंगे, देखेंगे ये इस तरीके से आप यूज बनाएंगे उसको पूरा। ये चीज़ें बनी हुई आप देखिए, जैसे मैं कुछ डायग्राम आपको दिखाती हूँ, ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है। ठीक है, लाइक ये डायग्राम, ये सारी चीज़ें आपकी किस पे रहेंगी, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी लैपटॉप पे। ठीक है, लैपटॉप पे आप बनाएंगे, उस पे वर्क करेंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। और दूसरा तरीका है कि आप पेपर पेन का यूज़ करके बनाइए। ठीक है, अब इसको बनाने के भी दो तरीके हैं। पहला है कि अगर आप प्रोजेक्ट कोई परफॉर्म करें, लाइक ये मेरा प्रोजेक्ट था, आप इसे देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट जो मेरा है, ये इफेक्ट पे मैंने वर्क किया है, सेलाइवरी एमाइलेज पे अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर, ये मेरा वर्क था एमएससी में। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका, मेरे कुछ और जो फ्रेंड्स थे उन्होंने रिव्यू लिखा था। रिव्यू का मतलब होता है कोई आप टॉपिक ले लीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आपके सिक्स सेवन का जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में एक टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप माइटोकॉन्ड्रिया पे लिख रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, कैसे लिखना है उसको, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। ठीक है, पहले मैं बताऊँगी कि आप जो रिटर्न लिखना है आपको उसमें क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बताऊंगी कि अगर आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपके लैब में परफॉर्म कराया गया है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं बताऊंगी और दोनों तरीकों से आप समझ जाएंगे कि अगर आपको रिव्यू लिखना है, जिसे आप रिव्यू पेपर कहते हैं, या फिर जिसे प्रोजेक्ट कहेंगे, उस टॉपिक लिखना होगा उसमें, बेसिकली आपको क्या क्या पॉइंट उसमें ऐड करने रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, मैं स्लाइड के माध्यम से आपको ये बताऊंगी। और दूसरा तरीका होगा कि आप जो है कैसे अपने लैब में आपने जो परफॉर्म किया है उसको क्या कैसे लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। चाहे आप हैंड रिटन बना रहे हों, चाहे आपने लैब में परफॉर्म किया हो, या फिर आप रिव्यू राइटिंग कर रहे हो, ये चीज़ें सबको लिखनी है। ठीक है, जैसे कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस पे लिखना है, जैसे मेरा रिपोर्ट जो था वो था इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन सलाइवरी एमाइलेज एक्टिविटी, तो मैं ये लिखूंगी। देन आपके कॉलेज का जो भी लोगो है, जैसे मेरे कॉलेज का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लोगो था वो मैंने लगाया था। ठीक है, देन उसके बाद से मेरा क्या था, नाम, एंड उसके बाद से स्पेशलाइजेशन मेरा सेल बायो पे था। ठीक है, और मास्टर्स डिग्री मैंने कहाँ से की थी, और मेरे ये, ठीक है, मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो कौन थे, और यूनिवर्सिटी का नाम, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, अगर आगे बढ़ें तो दूसरा चीज़ होता है सर्टिफाई करना। ठीक है, सर्टिफाई में आप क्या चीज़ें लिखते हैं, सर्टिफाई में यही बातें की जाती हैं कि आप ये बात सर्टिफाई करें कि ये जो प्रोजेक्ट है आपने सबमिट किया है, ठीक है, ये आपने खुद परफॉर्म किया है, ठीक है, खुद किया है, और इसमें आपके सुपरवाइज़र का और दूसरा कन्वीनर जो भी होंगे या HOD जो होंगे आपके डिपार्टमेंट के, वो इसको सबमिट करते हैं। दूसरी चीज हो जाती है आपकी, थर्ड हो जाता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब का होता है ये कि आप अपना ग्रेटिट्यूड या किसको कह सकते हैं, थैंक्स बोल रहे हैं आप, ठीक है, जिन्होंने आपकी मदद की है, जैसे आपके सुपरवाइजर, जैसे मेरे सुपरवाइजर ने मेरी हेल्प की थी, ठीक है, उनको, और मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको, और मेरी जो कन्वीनर थी उनको, आप क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड अपना शो करते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट में यही चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, नीचे फिर इस तरीके से लिखा होता है, आप सर्टिफाई करते हैं, आपका सिग्नेचर होता है, देन आप डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन में आप ये बताते हैं कि ये चीज़ आपने ये क्या है, ये चीज़ आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये क्या है, अनप्लेजराइज्ड है। अनप्लेजराइज्ड का मतलब आपने इसे कहीं से चोरी नहीं किया, आपने खुद किया है। ठीक है, अब वो ठीक है, अब आप बोलेंगे कि दीदी आपने ये सारी चीज़ें खुद से कैसे कर ली, मतलब आपको, तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। जैसे मान लीजिए मेरा ये जो इफेक्ट है, ये मैंने देखा, ये मैंने किया, तो इसको मैं आपको दो, आपने अपने उसमें सिलेबस में दो आपको स्कॉलरली वो पढ़ाए गए थे, एक था पबमेट, ठीक है, पबमेट आप सबने सुना होगा इसका नाम, आपके सिलेबस में था, दूसरा था गूगल स्कॉलर।
ठीक है, ये दो सबसे ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं जहां से आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च पेपर। अब मेरा रिसर्च था कि इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन सलाइवरी माइलेज, तो मैं इसको इन पे सर्च करूंगी, क्या इससे रिलेटेड आर्टिकल्स या इससे रिलेटेड कोई पहले रिसर्च हुआ है जिससे मुझे हेल्प मिल पाएगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। इस चीज़ से आपको हेल्प मिल सकती है, इसीलिए आपके सिलेबस में पबमिट और गूगल स्कॉलर और सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर लाइक इन्फ्लिपनेट, एनआईसी नेट, इन सब पे मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है क्योंकि इसका यूज़ आप करेंगे। यहाँ सब आप जाके सर्च कर सकते हैं कि जो चीज़ आप वर्क करने वाले हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देन आपने डिक्लेयर कर दिया इस बात को कि अनप्लेजराइज्ड है। अनप्लेजराइज्ड का मतलब होता है आपने चोरी नहीं की है, ठीक है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है आपने किसी का कॉपी किया है। अगर आप लेते भी हैं कहीं से तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने स्लाइड में रेफरेंस जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। कि अगर आपने कोई चीज़ ली है कहीं से, मान लीजिए ये कोई लाइन मैंने अपने जो स्लाइड बनाऊंगी मैं या जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें कोई लाइन या कोई टॉपिक आप कहीं से लेते हैं तो आप प्लीज मेंशन कीजिए कि आपने कहां से वो लाइन ली है, ताकि वो आपके ऊपर चोरी करना लगे कि रेफरेंस क्या आपने एज अ रेफरेंस, एज अ कह सकते हैं उनको, उनका देखा आपने, उनका सही लगा कि उसके हिसाब से मैंने किया है, रेफरेंस उनका पहले पब्लिश हुआ था, ठीक है। रेफरेंस के बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव, सबसे जरूरी चीज़ होती है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि एंजाइम की एक्टिविटी पे, ह्यूमन का जो सलाइवा होता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अल्कोहल का उस पर क्या इफेक्ट होगा, दूसरी बात, दूसरा चीज़ ये था कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन का अल्कोहल लिया था, मतलब कोई 10% का था, 50% का था और 100%। इस तरीके से तीन कैटेगरी का मैंने अल्कोहल लिया था कि अगर 10% अल्कोहल है तो उसका क्या इफेक्ट होगा सलाइवरी माइलेज पे, अगर 50% है तो उसका क्या होगा और 100% है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब हम आ जाते हैं मेन उस पर, ठीक है। कंटेंट, इस तरीके से आप कंटेंट लिखते हैं, चाहे वो आप पेपर पे लिख रहे हों या आप स्लाइड बना रहे हो, ठीक है। दोनों जगह इस कंटेंट की, कंटेंट में अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जब आप कंटेंट लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन तो आप लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने लैब में परफॉर्म नहीं किया, उन्हें जस्ट उनके टीचर ने बोला है कि आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है, और उनका टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इंट्रोडक्शन में आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा लिखाएंगे, ठीक है। अब वो बच्चे मटेरियल एंड मेथड्स वाला पार्ट स्किप करेंगे क्योंकि आपने मटेरियल्स एंड मेथड्स का यूज नहीं किया है, आप लिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिव्यू राइटिंग। जो आप लिखते हैं इसे हम कहते हैं रिव्यू राइटिंग। अब आप इसके बारे में पबमेड पे, गूगल स्कॉलर पे माइटोकॉन्ड्रिया सर्च करेंगे, उसके वहां पे आपको दिखाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या क्या वर्क हुए हैं, ये सारी बातें आप लिखेंगे। अभी मैं बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करेंगे, जिनका माइटोकॉन्ड्रिया पे वर्क है, जो लिख रहे हैं, जो रिव्यू पेपर कर रहे हैं, जो रिव्यू लिख रहे हैं, वो इस चीज़ को स्किप करेंगे। दूसरा, रिजल्ट भी उनका रिजल्ट तो आएगा ही कि क्या रिजल्ट निकला, आपने क्या देखा, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं रहता है उनके में आपको, लेकिन जो बच्चे परफॉर्म करते हैं और उनके में कैलकुलेशन रहता तो कैलकुलेशन भी करेंगे। जैसे आप इफेक्ट ऑफ पीएच, मान लीजिए मेरा इफेक्ट था सलाइवरी माइलेज पे, तो मैं देखूंगी कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, सब देखूंगी। उसी तरीके से कुछ बच्चे अगर इकोलॉजी से पार्ट ले लेते हैं कि सॉयल का जो पीएच है वो क्या होता है, उस पर आप कर सकते हैं, वाटर के पीएच पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। पॉन्ड का जो वाटर होता है उसका पीएच क्या होता है, ठीक है, पॉन्ड के वाटर में यूट्रोफिकेशन लेवल क्या है, पॉन्ड के वाटर में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये सारे वर्क आप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। देन आप डिस्कस करेंगे चीज़ों को कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ठीक है। उसके बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन में आप पूरे चीज़ का, जिसको कि हम क्या कहते हैं उपसंहार हिंदी में, कंक्लूड करेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें की और मुझे ये रिजल्ट मिला, ठीक है। और रेफरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रेफरेंस की, अगर आप कहीं से कोई चीज़ उठा रहे हैं तो उसका रेफरेंस ऐड कीजिए। चलिए सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट वाले बच्चों को बताती हूँ जिन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म किया, वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जैसे मेरा था कि अल्कोहल का क्या इफेक्ट है सलाइवरी एमाइलेज पे, तो मैं यहां पे देखिए मैं हिस्ट्री बताऊंगी सबसे पहले, सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, इसका रोल क्या क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सलाइवरी एमाइलेज कितने टाइप का होता है। अब देखिए जैसे मैंने जो चीजें उठाई हैं वहां मैंने, अगर ये एक रिसर्च पेपर से उठाया था, ठीक है, पबमेड से मैंने सर्च किया था, गूगल स्कॉलर से वहां से लिया था, तो ये ब्रूंस ने 2009 में किया था, तो मैंने यहां भी रेफरेंस ऐड किया, ठीक है। और इसी तरीके से ये चीज मैंने जहां से उठाई थी वहां का रेफरेंस ऐड किया, ठीक है। फिर अल्फा एमाइलेज टाइप होते हैं, अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, गामा एमाइलेज, मैंने उनके बारे में भी बताया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी आपको गूगल पे और पबमिट पे, या आपके आपने जो है
बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अब सारी चीजों का आपके प्रोजेक्ट में यूज होगा। एनसीबीआई साइट पढ़ा था आपने, ठीक है, स्विस प्रॉट पढ़ा था, प्रोटीन के लिए पीडीबी पढ़ा था, तो वहां सबसे जाके आप 3D स्ट्रक्चर उठा सकते हैं प्रोटीन का, ठीक है। मैंने सलाइवरी अल्फा एमाइलेज का प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाया था, ठीक है। देन मैंने बीटा एमाइलेज के बारे में लिखा, ये सारी चीजें मैंने किससे लिखी है, ये सारी चीजें मैंने या तो गूगल स्कॉलर से सर्च की है या पबमेड से, एनसीबीआई से, जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज है वहां से देखा है और उनके बारे में लिखा है, ठीक है। और उसके बाद से ड्रिंकर्स जो होते हैं उन पे क्या इसका हैबिचुअल अल्कोहल का इफेक्ट देखे, अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी पे सलाइवा पे क्या इफेक्ट होता है उसको लिखा है, ठीक है। डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चर वगैरह लिखा है, मतलब ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिखनी है। देन आप मटेरियल्स एंड मेथड का यूज करेंगे, मटेरियल्स मतलब काम, उस काम को करने में आपको क्या क्या केमिकल्स लग रहे हैं, जैसे मुझे सोडियम क्लोराइड, सोडियम डाइफॉस्फेट की यूज पड़ी थी, ठीक है, ग्लास वेयर एंड प्लास्टिक वेयर्स की जरूरत पड़ी थी, इक्विपमेंट्स की जैसे कि थर्मामीटर, मिसलेनियस, कॉटन फनल, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ रिएजेंट प्रिपेयर किए थे क्योंकि मेरे जब मैंने परफॉर्म किया था तो उसमें जरूरत थी, लाइक बफर प्रिपरेशन, बफर सोल्यूशन की जरूरत पड़ी थी, NaCl की सोल्यूशन की जरूरत पड़ी थी, स्टार्च की एक्टिविटी, अब एमाइलेज की एक्टिविटी सर चेक करनी है हमको, कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है उसके लिए हमने स्टार्च, आयोडीन का प्रिपरेशन था, ठीक है। फिर प्रोटोकॉल था कलेक्शन के लिए, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि आप सलाइवा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट ये जो है आपने कहाँ से कलेक्ट किया, तो सलाइवा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, मैंने अपने क्लास के डिफरेंट डिफरेंट लोगों का सलाइवा लिया था, ठीक है। सबसे पहले माउथ को क्लीन करना है, उसको अच्छे से क्लीन करना, ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, 20 डिग्री सेल्सियस पे उसको प्रिजर्व करना होगा, एपेंट ऑफ ट्यूब, इस तरीके से ट्यूब एक आता है उसमें मैंने ये वो रखा था, ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस भी आपको लिखने हैं। देन रिजल्ट, ठीक है, ये मैंने जो लैब में परफॉर्म किया था उसका रिजल्ट था, इस तरीके से आप डायग्राम लगाएंगे, ठीक। ये देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन एल्कोहल के प्रेजेंट में कितना है, 3 सैंपल्स मैंने लिए हैं, आप इस तरीके से देख भी रखते हैं, एक कॉमन सैंपल था, एक E1, E2 और E3, ये 3 सैंपल्स मैंने लिए थे, ठीक है। उसके बाद इसका ये मैंने जो लैब में ट्यूब में यूज किया था उसका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बनाते वक्त उसका डायग्राम, इस तरीके से आपको चीजें दिखाएंगे। देन ये मेरा कैलकुलेशन है, अब इससे आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कैलकुलेशन सबके अलग अलग होते हैं, ये मैंने कैलकुलेशन किया था, इस तरीके से मैंने ग्राफ भी रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि किस तरीके से ग्राफ में परसेंटेज क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी E1 में क्या है, E2 में क्या है, E3 में क्या है, इस तरीके से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को, अब डिस्कशन में आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे में चीज़ों को डिस्कस किया है। देन कंक्लूजन निकाला है कि अब एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ होती है कि अल्कोहल जो है एडवर्सली इफेक्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी को, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि ये जो ये सैंपल जो है ये मैंने बहुत स्मॉल साइज का लिया है, देयरफॉर द रिजल्ट नीड्स टू वेरीफाइड विथ फर्दर एक्सपेरिमेंट विथ लार्ज डेटा। तो अगर हमको इस पर कोई बड़ा कंक्लूजन निकालना है, लाइक मेरा प्रोजेक्ट जैसे मैं इसमें आगे PhD परसू करती, तो मैं इस तरीके से 3 लोगों के सलाइवा पे नहीं देखती, इसके लिए मैं एक बड़ा सैंपल लेती, लाइक 1000 पीपल का, 500 पीपल का, तब मुझे पता चलता कि इसका इफेक्ट एक्चुअली क्या है। अब मैंने जिन पे लिया शायद वो अल्कोहल कंज्यूम ही ना करते हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, कंक्लूजन आपने लिख दिया। देन रेफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने कहां कहां से चीजें ली हैं, उन सारी चीजों का मैंने रेफरेंस यहां पे ऐड किया है, ठीक है। और अगर आप यही हैंड रिटन कर रहे हैं तो इसको आपको हाथों से लिख कर इन चीजों को रेफरेंस लेकिन आपको ऐड करना ही पड़ेगा। अब चलिए मैं दूसरा एग्जांपल बता देती हूं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया पे लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। बाकी की 4 चीजें ऊपर की जो थी वो सेम रहेंगी, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वाला लोगो बनाएंगे, मैं दिखा दूं, फिर ये इसको बनाएंगे आप, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफाई करना और डिक्लेरेशन, ये चारों चीजें सारे बच्चे लिखेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर आप रिव्यू पेपर लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक। अब ये जो स्लाइड है मैंने गूगल से उठाई, ठीक है, आपने सब कुछ लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है, तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन उसका लिखेंगे, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये सारी चीजें बताएंगे, ऑटोट्रॉफ्स के बेस पे और हेटरोट्रॉफ्स के बेसिस पे बताएंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और चीजें आप बताएंगे कि क्या होता है ये क्या का होता है, सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी टेक्स का, ठीक है, ये इनमें ऑटोनॉमस होते हैं, इन सारी कैरेक्टर्स के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसमें होता है, इसको लिखेंगे।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, कब डिस्कवरी की थी, कैसे इसको आइसोलेट किया गया था, ये सारी बातें आप मेंशन। इस तरीके से आप बताएंगे कि कैसा होता फिलामेंटस होता है, ग्रेनुलर होता है, इसका साइज क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आप बताएंगे। ठीक, देन उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, अच्छा सा डायग्राम देंगे स्ट्रक्चर का। ठीक है, देन इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारी चीजें कैसे होती हैं इसके बारे में आप बताएंगे। ठीक, और देन इसमें F1 F2 पार्टिकल पाए जाते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद से इसमें कॉम्बिनेशन F1 F0 का पूरा बताएंगे आप। ठीक, इस तरीके से सारी चीज़ों को लिखेंगे, ये स्ट्रक्चरल केमिकल फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, उसमें क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन में उसको लिखेंगे आप, इनर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, उसके स्पेस पाए जाते हैं उनके बीच में, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इनर मेम्ब्रेन की चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे। मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में लिखेंगे। मैट्रिक्स में आपके बेसिकली ये एंजाइम्स के बारे में बताया गया, जो आप मैलाटेज, आइसोसिट्रेट, डिहाइड्रोजिनेज आप क्रेब साइकिल में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इसका यूज पढ़ेंगे, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में बताएंगे। आप सबको पता है कि सेमी ऑटोनॉमस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। ठीक है, प्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में भी आप बताएंगे। और प्रेजेंट टाइम में इस पे पबमेड पे जाके आप पबमेड और गूगल स्कॉलर, ठीक है, इन दोनों पे जाकर आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या डिस्कवरी चल रही है उसके बारे में भी आप लिखेंगे। और उसका रेफरेंस भी तुरंत आप एक पेज, जो बच्चे क्या करना है कि जो बच्चे मान लीजिए पेज पे लिख रहे हैं वो अपना एक पेज अलग निकाल लेंगे इस तरीके से और ऊपर लिख देंगे रेफरेंस। ठीक है, और जहां जहां से आप चीजें ऐड कर रहे हैं वहां वहां का रेफरेंस ऐड करते जाइए। और जो बच्चे स्लाइड पे बना रहे हैं वो भी एक सिंपल स्लाइड बना लेंगे, जैसे ही आपने कोई चीज कहीं से ली, ठीक है, तो उसका रेफरेंस आप तुरंत ऐड करते जाइए। ठीक है, स्लाइड में इंसर्ट करते जाइए। तो दोनों लोग प्लीज़ रेफरेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ऑथेंटिक जगह से, जैसे आपका पबमेट हो गया, ठीक है, पबमेट हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, NCBI हो गया, NIC नेट हो गया, ठीक है, गूगल स्कॉलर हो गया, उसके बाद से BR नेट से आप जहाँ से भी ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं वहीं से लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि आपकी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA के बारे में आप बताएंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम भी पाया जाता है उसके बारे में आप बताएंगे। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का मतलब होता है ये खुद का अपना प्रोटीन बना लेता है, क्योंकि इसमें DNA पाया जाता है, इसमें सिंथेसिस होती है। ठीक है, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, ओरिजिन बाय डिवीजन बताना है आपको, ओरिजिन बाय डीनोवो कैसे होता है। ठीक है, सिम्बियोंट हाइपोथेसिस कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट और इंटरसेलुलर पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताने लगी। माइटोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होता है और इसका फंक्शन क्या है इसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, क्रेब साइकिल या TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको कहते हैं, उसमें इसका क्या यूज़ है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही ये चीज़ें चलती हैं तो भी आप बताएंगे, क्योंकि रिलेटेड तो माइटोकॉन्ड्रिया से है, साइकिल आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पूरा आप डायग्राम दिखाएंगे। मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट में, आउटर मेम्ब्रेन में क्या फंक्शन है, इनर मेम्ब्रेन में क्या फंक्शन है, स्पेस में क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या फंक्शन है, इसके बारे में आप बताएंगे। तो ये सारी चीजें लिखेंगे और इसमें और भी चीजें आप ऐड करेंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या इसका स्कॉलर वो चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूं कैसे आपको करना है। देखिए, मैंने आपके लिए गूगल खोला और गूगल पे मैंने डाला है माइटोकॉन्ड्रिया रिसर्च पबमेड पे। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 स्कॉलरली आर्टिकल्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल रिसर्च, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से स्कॉलर के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखिए, ए सेंचुरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिसर्च 1920 से लेके 2020 तक के सारे रिसर्च। अब इस तरीके से मैं इसको खोलूं तो आप देखेंगे खुलेगा यहाँ पे, क्रोम में रन करा, ये देखिए पबमेड पे इस तरीके से इतने सारे इस पे आपको मिल जाएंगे सिमिलर उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल सिग्नलिंग, रिकंसिडरिंग द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एजिंग। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बैक में चलती हूं, अब आप देख सकते हैं आगे बहुत सारे, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटियोम रिसर्च। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इन हेल्थ एंड डिजीज, अब यहां से आप माइटोकॉन्ड्रिया के में हेल्थ और डिजीज के बारे में भी देख सकते हैं। ये आप यहां पे देख सकते हैं पूरा एब्स्ट्रैक्ट इसका दिया गया है, इसको आप पूरा खोल के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड और सारी चीजें हैं, फिर मैं बैक करूंगी, आगे आपको और दिखाऊंगी। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन एंड डेवलप इन डेवलपमेंट एंड डिजीज, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डेवलपमेंट और डिजीज में किस तरीके से है, ठीक है, ये भी आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है,
इसको भी आप अपने चीज में फुल टेक्स्ट अगर लिंक आपको लेना है तो यहाँ से आप जाके यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है, generalbiologist.com से इस तरीके से आपको फुल मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे अगर इंट्रोडक्शन क्या है इसका ये देख सकते हैं आप, पूरा इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन अगर आपको आगे और चीज़ें देखनी है तो यहाँ से रिलेटेड एडवांस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड ट्रांसलोकेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इन हेल्थ हर डिजीज, तो इस तरीके से आप बहुत सारे रिसर्च देख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कुछ बच्चे पीएच पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ मैं सर्च कर दूँ पीएच ऑफ सॉयल, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे सॉयल रहेगा, ठीक है, पबमेड में डाल दूं आर्टिकल्स। अब यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड पूरे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से अपने चीज़ों में देख सकते हैं। तो होपफुली सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने लाइव दिखा भी दिया कि कैसे आप कर सकते हैं। तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करनी है चीज़ें। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे एकेडमिक सिस्टर के नाम से इंस्टाग्राम पे, और हमारे टेलीग्राम का लिंक तो दिया हुआ है, टेलीग्राम पे आप कहीं भी मैसेज करके आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मैम कैसे क्या चीजें करनी है, मैं जरूर से जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एवरीवन।